पिछले 4 साल से क्वालिटी एश्योरेंस एंड टेक्निकल सर्विसेज में काम करती आ रही हूँ। आज मैं जो कविता पाठ करने जा रही हूँ ये एक ऐसी कविता है जो हम लोगों के खून में जैसे गर्मी भर देता है और खून जैसे नस नस में दौड़ने लगता है। इस कविता का शीर्षक है देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता, जिसके रचयिता श्रीमान सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। सभी की अनुमति से शुरू करना चाहूंगी। यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में आग लगी हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में सो सकते हो? यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में लाशें सड़ रही हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो? यदि हाँ तो मुझे तुमसे कुछ नहीं मिलता। देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता कि एक हिस्से के फट जाने पर बाकी हिस्से उसी तरह साबुत बने रहे और नदियां, पर्वत, शहर, गांव वैसे ही अपनी अपनी जगह दिखे, अनमने रहे। यदि तुम नहीं मानते तो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। दुनिया में आदमी की जान से बड़ा कुछ भी नहीं है। दुनिया में आदमी की जान से बड़ा कुछ भी नहीं है, न ईश्वर, न ज्ञान, न चुनाव। कागज पर लिखी कोई भी इबारत फाड़ी जा सकती है और जमीन के साथ पत्तों के भीतर गाड़ी जा सकती है। युद्ध में खड़ा हो लाखों को देख वह अंधा है। जो शासन चल रहा हो बंदूक की नलियों से हथियारों की धंधा है। यदि तुम ये नहीं मानते तो मुझे अब एक क्षण भी तुम्हें नहीं सकते। याद रखो, एक बच्चे की हत्या, एक औरत की मौत, एक आदमी की गोलियों से चिथड़ा तन किसी शासन का ही नहीं संपूर्ण राष्ट्र का है पतन। जिस धरती पर फौज दूसरों के निशान हो और उन पर लाशें गिर रही हो वह धरती यदि तुम्हारे खून में आग बन कर नहीं दौड़ती तो समझ लो तुम बंजर हो गए हो। तुम्हारे यहाँ सांस लेने तक का नहीं है अधिकार, तुम्हारे लिए नहीं रहा अब ये संसार। बिल्कुल सा किसी हत्यारों को कभी मत करूंगा, चाहे वो